आरएलडी को लेकर समाजवादी पार्टी ने साफ किया है कि जयंत कहीं नहीं जा रहे, सियासी गलियारों में चर्चाएं जोरों पर हैं। Although I'm not really aware of the seat distribution between BJP and RLD, that's a matter, an issue to be discussed between the two parties. However, I would welcome any party from Uttar Pradesh or anywhere else in the country joining the NDA to make sure that our NDA gets even stronger. Although Prime Minister has already announced on the floor of the House that NDA would be 400 plus in the next upcoming elections, and we welcome any move from any party to come and join the NDA and contribute towards fulfilling the vision of. और जिस तरह भाजपा सरकार लगातार किसानों के विरुद्ध काम कर रही है, इस बार आपने बजट में भी देखा कि कोई भी MSP का जिक्र नहीं है, और किस तरह हमारी रेसलर जो बहनें थी उनका अपमान हुआ है भाजपा सरकार द्वारा। तो मैं नहीं मानती कि जो RLD के जो मौजूदा जो नेता हैं जयंत चौधरी जी, जो राज्यसभा मेंबर भी हैं, वो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे सीधे किसानों को क्षति पहुंचेगी। जयंत को मैं अच्छी तरह से जानते हैं, वो सेकुलर लोग हैं, और ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया के माध्यम से भ्रमित किया जा रहा है, तो वो कहीं नहीं जा रहे, वो मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे।